CAD CAM ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे SolidWorks 2014 कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे सीखते हैं और इसे और कैसे हम अपने पार्ट्स जनरेट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, जैसे कि ये एक इंटरफेस है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल्स है, आपको नई फाइल बनानी है या कोई फाइल ओपन करनी है या जो फाइल आप ऑलरेडी बना चुके हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ आती है। अगर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। देखिए ऑप्शंस दिखा रहे हैं। दूसरा है व्यू। व्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी चीज़ को कैसे देखना चाहते हैं, अप एंड डाउन, आइसोमेट्रिक और लाइक दिस। एंड ये है टूल्स। सॉलिड वर्क्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन है। और उसके बाद ये है एक ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग है, अगर आप किसी चीज़ को सेट करना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग है, डिस्प्ले आपका कैसा होना चाहिए, आपका एरिया कैसा है, हैच लाइन होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड कलर, विंडो कलर, आपकी ड्राइंग्स कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिलेंगी। हम सीखेंगे आगे कि ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे सेटिंग करते हैं उसमें। फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइड में छोटी छोटी विंडो पॉपअप होती हैं, इसमें आपको अपीयरेंस जो है, कलर कंपोनेंट के कलर शेप कैसा होगा, मटेरियल क्या होगा, वो सब के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको हेल्प की भी जानकारी मिलेगी, अगर आप किसी तरह की हेल्प चाहते हैं कि कोई चीज़ें कैसे परफॉर्म करती हैं, वो भी आपको यहीं मिलेगी। चलो हम देखते हैं। ये है न्यू। यहाँ आप अगर नया पार्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू क्लिक करें, या तो कोई पार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन करें। तो हम देखते हैं न्यू। इसके बाद ये विंडो ओपन होगी, इसमें पार्ट्स, असेंबली, ड्राइंग, ये तीन चीज़ें हैं। पार्ट्स में आप कोई भी 3D डिज़ाइन या कोई भी 3D पार्ट्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल होता है। और उसी के नीचे असेंबली है, एक से ज़्यादा 3D पार्ट्स को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं, जॉइंट करना चाहते हैं या असेंबल करना चाहते हैं तो आप असेंबली चुनें और ओके करें। सो आप असेंबली सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा है ड्राइंग। ड्राइंग सेक्शन में आप 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं, जैसे कि ऑटोकैड में आप बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल और उसी की तरह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 2D कोई किसी भी तरह की 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, वो भी सेम थिंग है, कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही जैसी चीज़ है, असेंबली, ड्राइंग्स। तो देखते हैं हम पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर क्या है देखते हैं। ओके क्लिक करें। ओके ये विंडो ओपन होगी आपकी जब आप कोई भी नया पार्ट ओपन करेंगे। ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे वही सारी फाइलें, एडिट्स, ये सब हैं। और ये जो हमारा टूल बार है, ये सारे टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो आपको धीरे धीरे यहाँ से हम सिखाएंगे कि ऑपरेशन किस तरह करते हैं, क्या कब करते हैं। ये हमारी शॉर्ट टूल बार है जो हमें इमीडिएटली रिक्वायर होती हैं, जैसे जूम इन, जूम टू फिट है, जूम एरिया है, फिर इसको प्रीव्यू देखना है, फिर आपको किसी भी तरह का आपको कोई भी शेप देखना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, फ्रंट व्यू, राइट हैंड, एनीथिंग। फिर आपको यहाँ ऑप्शन है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में भी डायमेट्रिक है, ट्राइमेट्रिक है। फिर इस आपको उसके बाद एक ऑप्शन आता है शेड, आपका जो भी शेप है वो शेड कैसा होगा, 2D शेप होगा या लाइन होगी या हिडन लाइन होगी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस में आप कलर सेट करते हैं, किस तरह कलर वगैरह सेट किया जाए वो आप हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद आता है बैकग्राउंड सेटिंग, आपको बैकग्राउंड की किस तरह सेटिंग चाहिए, जो कलर चाहिए, यहाँ पहले से होते हैं, अब आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है ये हिडन आइटम है, इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, एक्सिस है, प्लेन है, आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी 3D डिज़ाइन के लिए। और ये जो है ट्री है, जो भी ऑपरेशन आप करेंगे उसका
वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ रिकॉर्ड होती जाएगी, और फ्यूचर में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप सीधा उसी चीज़ में जाके उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको कलर ऑप्शन भी है, 3D ऑप्शन भी है, बाकी हम चीज़ें बाद में देखते हैं कि ये क्या है। हम अभी देखते हैं यूनिट, जो सबसे अहम चीज़ है यूनिट, यूनिट कैसे चेंज करते हैं। ऑप्शन में जाइए, डॉक्यूमेंट में जाइए, यूनिट देखिए, यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इंच, जो भी चूज़ करें फिर ओके करें। सो आपकी ड्राइंग जो है वो इंच में सेलेक्ट हो गई है, आप उसे कन्वर्ट कर, आपकी जो भी ड्राइंग होगी वो इंच में आएगी। यूनिट ऑप्शन यहाँ भी होता है नीचे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको इंच चाहिए, एमएम चाहिए, इंच। तो अब आपकी ड्राइंग इंच में हो गई, अब आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो इंच में बनेगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक पहला पार्ट क्रिएट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि एक 3D पार्ट कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, धन्यवाद।